हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैंग किंग, शैतान सच में इस औरत को डिफरेंटली ट्रीट कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है कैशैंग? ये बहुत रेयर है मेरे भाई का कोई इंटरेस्ट होना किसी लड़की में। क्या अच्छा नहीं है? ओ, क्या तुम ऐसा सोचते हो? फिर मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि यहाँ पे कुछ है, मतलब जिस निगाहों से तुम उसे देख रहे हो उनमें कैशैंग जेली। ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। ओ, क्या तुम शर्मिंदा हो रहे हो? तुम मान क्यों नहीं लेते? मुझे मत बताना कि तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं अपने भाई के अगेंस्ट लड़ने की। इतना डरो मत, मैं तुम्हारे साइड में हूँ। शीतंग एक सेल्फ राइटियस आदमी है, वो नहीं जानता कि औरतों को कैसे चेरिश करते हैं। जेली, तुम बहुत बोर हो चुके हो ना, है ना? उप्स, तुमने मुझे पकड़ लिया। फाइन, अब और जोक्स नहीं करूँगा, मेरे पास अभी भी है काम करने के लिए, मुझे जाना होगा। बट कैशैंग, तुम्हारे लिए एक एडवाइस है, कभी कभार तुम्हें फाइट करनी होती है जो तुम चाहते हो उसके लिए। जेली, सही था, यहाँ पे कुछ है, मुझे इस अपने भाई से सब बात करनी होगी। मिस्टर तैंग, इस रास्ते प्लीज़। ये इतनी दूर चल रही है मुझसे, क्या इतनी, मतलब क्या इतना मुझसे दूर जाने के लिए मेरे करीब नहीं आ सकती? मिस्टर तैंग, तुम फाइनली यहाँ आ गए, मैंने स्पेशली ऑर्डर करा है VIP रूम। और तैंग, थैंकिंग, बाद में हम डिनर करेंगे, मेरे लिए अच्छी बातें करना। मैंने शाले से पूछा था, वो नहीं जानती इस जनरल के बारे में। तुम बेटर एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन देना कि तुमने शाह से झूठ क्यों बोला। मैं शाले को चिंता नहीं करवाना चाहता था, मोरोवर मैं भी उसी के लिए कर रहा हूँ। अगर शाले को पता लगे कि तैंग शिकायत तुम्हें यहाँ लेकर आया, तुम्हें क्या लगता है वो क्या सोचेगी तुम्हारा? ये बहुत एक घटिया बहाना है। फाइन, मैं आज जो भी हुआ उसके बारे में भूल सकती हूँ, बट एक कंडीशन के साथ, तुम्हें शैली को अच्छे से ट्रीट करना होगा। ऑफ कोर्स मैं करूँगा, मैं जो अभी कर रहा हूँ वो सारे शैली और मेरे फ्यूचर के लिए। चलो प्राइवेट रूम में चलते हैं, मिस्टर तैंग को और इंतज़ार नहीं करवा सकते हैं। ओ तैंग, तुम बैठ रहे वैसे करो जैसे तुमने प्रॉमिस करा, अदरवाइज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वैल, मेरे सर्वे के हिसाब से जो पोटेंशियल है ना इस मार्केट वीक की, वो बहुत ह्यूज है, मतलब बहुत बड़ी है। ये इसमें बहुत सारी एडवांटेज है और एज वेल गुड मोमेंटम है डेवलप करने के लिए। जब तक जो प्लान है ना वो इम्प्लीमेंटेड हो सकता है, हम प्रॉफिट बना सकते हैं पहले ही स्टेज से। इस पर्पज़ के लिए मैंने 3 प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। 20 मिनट बाद जो फंड है ना वो काफ़ी है और हम प्रॉफिट करेंगे। हम एक्सपेंड कर सकते हैं फ्यूचर मार्केट फॉर मार्केट में 1 साल से ज़्यादा। तो प्रॉफिट पाने के लिए मिसेस तैंग सुन भी नहीं रहे। एक्सक्यूज़ मी, मैं एक्स्ट्रा सैलरी चाहती हूँ। ओके, एक मोमेंट, 1 घंटे बाद। मिस्टर तैंग, क्या आपने डिनर एंजॉय करा? क्या आप कुछ और ऑर्डर करना चाहेंगे? क्या तुम्हारा पेट भर गया? हाँ, मेरा पेट भर गया। तो फिर हमारा काम हो गया, चलो इसे आज यहीं ख़त्म करते हैं। मिस्टर तैंग, वो प्रोजेक्ट मेरे सेक्रेटरी को भेज देना, मैं कल तुम्हें रिप्लाई कर दूँगा। आपके खाने की ट्रीट के लिए शुक्रिया, गुड बाय। थैंकिंग, अगर ये ऐसे ही, मैं ना तुम पे भरोसा कर रहा हूँ, बाकी सबके लिए तुम्हें मदद करनी होगी मेरी, मिस्टर तैंग के सामने अच्छा कहने के लिए। ओह थैंक यू, मुझे डर है कि तुमने गलत समय, मेरा तैंग शीतंग के साथ कुछ लेना देना नहीं है। ये औरत क्या सच में सोचती है कि बैड ऐस है? ये सिर्फ एक पैथेटिक मिस्ट्रेस है तैंग शीतंग की। हाँ हाँ स्वीट हार्ट, हाँ चिंता मत करो, मैं पैसे जल्दी ले लूँगा। रियली, ये अच्छा है। हाँ नहीं, मैं तुम पे भरोसा कर रही हूँ। अच्छा, सारे के सारे बिचेस बिच हैं। मिस्टर तैंग, मिस गो प्लीज़, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें घर तक ड्राइव कर दूँगा। नो थैंक्स। क्या अब? मैं तुम्हारे साथ इन्वॉल्व होना चाहती, और ये आज अच्छा दिन है तो मैं सिर्फ वॉक करके चली जाऊँगी। तुम्हारे पास पॉइंट है, तुम्हें करना चाहिए मान, जो तुमने अभी इतना सारा खाना खाया था ना उसे डाइजेस्ट करने के लिए। तैंग शैतान, तुम्हारा क्या मतलब है? ये पास्टर, होल्ड ऑन, क्या इसने भी एक जॉक करा? नो वे, ये प्रवन तैंगशिंग, भूल जाओ, मुझे अब घर जाना होगा। डैड, आपको मेरी मदद करनी होगी, मेरी बहन मेरी मदद नहीं करेगी अगर आप मेरे लिए नहीं बोलोगे तो। चिंता मत करो स्वीट हार्ट, ये सब मुझ पर छोड़ दो। डैड, मैं घर आ गई हूँ। तैंकिंग, तुम वापस आ गए। डैड, आप अभी भी जगे हुए क्यों हो? तैंकिंग, तुम फाइनली घर आ गई। डैड ना तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। घूम फें, कौन सी ट्रिक खेल रही है? ये सिर्फ एक ही रात थी। डैड, मैं अपने रूम में वापस जा रही हूँ, भूलना मत वो बताना। जाओ जाओ, अच्छी बच्ची, ये बहुत लंबा समय था ना, लंबा दिन था तुम्हारे लिए। मैं आप सब पे तुम पे छोड़ती हूँ। गो थैंकिंग, जब तक गो
गो एंशंग जिंदा रहेगा, तुम कभी भी मुझे हरा नहीं पाओगी। थैंकिंग यहाँ हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। डैड क्या मैटर है? यूफे ने मुझे बताया है कि तुम्हारी कंपनी में आज क्या हुआ। यूफे अभी भी यंग है और इमेच्योर है, तुम उसकी बड़ी बहन हो तो तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा। डैड, यूफे ने मुझे बताया था कि जो उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन था ना, वो और नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसने कुछ गलत कह दिया था। अब तुम एक एम्प्लॉई हो यूनिवर्स इंटरटेनमेंट की, तो यूफे का ना अगर तुम्हें चांस मिले तो उसके बारे में अच्छा कह देना। डैड, मैं सिर्फ एक न्यू एक्ट्रेस हूँ वहाँ पे, मैं जो कहूँगी वो कैसे ही बिलीव करेंगे कि तुम ये कर सकती हो। यूफे ने कहा था कि तुम्हारा लीडर है वो तुम्हारे बारे में बहुत हाईली सोचता है, वो सच में बिलीव करेगा अगर तुमने ये कहा तो। थैंकिंग यूफे, तुम्हारी बहन है, तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। डैड, मैं समझ गई। डैड, मैं थक चुकी हूँ, मैं वापस आराम करने जा रही हूँ सोने, आपको भी आराम कर लेना चाहिए। थैंकिंग, मेरा मतलब वो नहीं था। डैड, वो ही एक है, ये वो इकलौती नहीं है जिसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा करने के लिए गई थी, तो मैंने भी करा था, तुमने मेरी सिचुएशन के बारे में क्यों नहीं पूछा। थैंकिंग, ये ठीक है, मैं वापस अपने रूम में जा रही हूँ। शह, अब मैं बड़ी लड़की हो चुकी हूँ, मुझे अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। मैंने डैड को चिंता करवाई होगी इन वर्ड से। गुफ, तुम ना काइंड ऑफ स्मार्ट हो जो एट कोई मेरा अगेंस्ट यूज कर रही हो। डिंग, हाँ हेलो मिस गु, मैं ताऊ हूँ, एक असिस्टेंट हूँ डायरेक्टर सॉन्ग का, उन्होंने मुझसे बोला आपको इन्फॉर्म कर दूँ कि यहाँ पे एडिशन है कल सुबह आपके लिए, प्लीज़ कंपनी में आ जाना समय पर, और जो टाइम और जगह है ना वो यहाँ पर है। 8 घंटे बाद, मॉर्निंग मिस ताऊ। मॉर्निंग थैंकिंग, तुम बहुत जल्दी आ गई। कम ऑन, ये इन्फॉर्मेशन फिल कर दो और दो, हम फिर हम न्यू क्रो के पास जा सकते हैं। थैंक यू मिस ताओ, क्या मैं पूछ सकती हूँ मैं किस ऑडिशन के लिए जा रही हूँ? मैं तुम्हें नहीं बता सकती, जो चीज़ मैं तुम्हें बता सकती हूँ अभी वो यह है कि जो डायरेक्टर है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, अगर तुम उसकी नज़रों में आ गई तो यहाँ पर ब्राइट फ्यूचर है तुम्हारे लिए। कट, आंखें, मैंने कहा था अपनी आंखों को यूज़ कर एक्सप्रेस करने के लिए, ये फैंग वो वन ऑफ द टॉप डायरेक्टर है इस कंट्री में। ये घूरने का क्या मतलब है? क्या तुम किसी को अपनी आंखों से मारने की कोशिश कर रही हो? ये गाओ जाके हैं एक ए लिस्ट एक्ट्रेस, इस पार्ट को दोबारा रिटेक करो। ये लो फिर से चालू हो गए, ये कितना अनोइंग है। डायरेक्टर फैंग, मैं ताऊ हूँ, असिस्टेंट हूँ डायरेक्टर सॉन्ग के, ये गु थैंकिंग है, ये एक्ट्रेस है ऑडिशन के लिए। हेलो डायरेक्टर फैंग, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरा जो फर्स्ट ऑडिशन होगा ना वो डायरेक्टर फैंग के काम के लिए होगा। अगर मेरी याददाश्त सही है तो डायरेक्टर फैंग है ना वो टॉप रैंक से गिर जाएंगे क्योंकि उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन था ना वो फेलियर हो जाएगी बाद में, बट इसका जो वर्क है ना वो उन पीरियड में वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। मुझे इस रोल के लिए फाइट करनी होगी। क्या तुम कभी भी टीवी ड्रामा में आई हो पहले? मैंने कुछ स्टेज प्लेस करे थे बट मैं कभी भी टीवी ड्रामा में नहीं हूँ, कभी नहीं। सॉन्ग यानलू ने किसी को रिकमेंड करा इस तरह की न्यूबी को मेरे ऑडिशन में? वो सोचता क्या है, वो है कौन? एक ऑर्फन, ये सोचता क्या है, ये है कहाँ? एक ऑर्फनेज है क्या? असिस्टेंट डायरेक्टर, एक स्क्रिप्ट ढूंढो इसके लिए, मैं आ रहा हूँ, मेकअप इसे रेडी करवाओ। तुम्हारा रोल है का जो नाम है ना वो लानियान है, जो सेक्शन है तुम ऑडिशन करने वाले हो फर्स्ट सीन है, इसे खुद ही पढ़ लो, ज़्यादा क्वेश्चन मत पूछना, मैं बिजी हूँ। ये क्या एटीट्यूड है इस असिस्टेंट डायरेक्टर का, ये इरिटेटिंग है। ये ठीक है, मैं यहाँ नहीं हूँ आफ्टर ऑल, जो ड्रेसिंग रूम है ना वो इस रास्ते, प्लीज़ जल्दी आइए, मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। ओके, ये कौन है? एक न्यू एक्ट्रेस है जो डायरेक्टर्स होने कर रही है, मुझे याद है कि ये गु यूफे की बड़ी बहन है। गु यूफे, वो विच जिसने यूरोंग को सीड्यूस करा है, ये अपनी बहन से ज़्यादा कैपेबल है, इससे ऑडिशन इतनी जल्दी ले लिया। अगर वो एक्सीडेंट नहीं होता ना ओरिजिनल एक्सीडेंट के साथ तो उसके पास कभी चांस नहीं होता, बट जो इसका रोल है ना लायन का वो बहुत हार्ड है प्ले करना, आई बेट ये तो इसमें हार जाएगी। तुम सही हो, बर्ड्स ऑफ फैदर फ्लॉक तो कहता, वो बिच की सिस्टर, ये भी बिच ही होगी। मेरा नाम लायान है, मैं एक ऑर्फन हूँ लान फैमिली इन जिंगजो से, मैं अपनी आधी ज़िंदगी से ज़्यादा अकेले जी सकी हूँ जब से मैंने घर छोड़ा है, और जब मैंने फाइनली मेरे प्यार का ढूंढा 10 साल के सब कुछ सहने के बाद, मुझे लगा था कि मैंने वो ढूंढ लिया जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ, पर मैंने कभी नहीं सोचा था जिस इंसान को मैंने सबसे ज़्यादा प्यार करा वो ही था जिसने मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट करा। क्यों सोचते हैं वो जो नफरत है तुम्हारे तुम्हें और तुम्हारी क्लैन को ख़त्म करने के लिए, वो कभी बदल नहीं सकती, और सिर्फ तुम्हारी जो डेथ है ना वही मेरे इस धोखे को ख़त्म कर सकती है। तो अब से तुम और मैं कुछ भी नहीं है बट दुश्मन। ये कौन है? इसने इतना एक्ट करा रोल कि मैं तो भाई से देखता ही रह गया। ये कहते हैं ये इसका न्यू आर्टिस्ट है जो डॉक्टर
डायरेक्टर सॉन्ग ने इंट्रोड्यूस करवाया। इसकी जो एक्टिंग स्किल्स है ना वो इतनी इनक्रेडिबल हैं, क्या तुम श्योर हो ये सिर्फ न्यू एक्ट्रेस है? गुड थिंकिंग, मैं सही हूँ ना? यस डायरेक्टर फैंग, गुड, तुम्हारा शो इम्प्रेसिव था। वापस जाओ और हमारे मैसेज का इंतज़ार करो और रेडी हो जाना किसी भी समय काम करने के लिए। ओके थैंक यू डायरेक्टर फैंग, मुझे पता था तुम कर लोगे थैंकिंग, मुझे तुम्हें थैंक्स करना होगा मुझे चांस देने के लिए। यह सिर्फ एक फीमेल सपोर्टिंग रोल है, तुम इतनी प्राउड क्यों? मुझे वापस जाना होगा डायरेक्टर सॉन्ग को रिपोर्ट करने के लिए। थैंकिंग, तुम अब जा सकती हो। ओके थैंक यू, तो आज के लिए यूनिवर्स एंटरटेनमेंट। हेलो, तुम मुझे इस समय क्यों कॉल कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास पॉकेट मनी नहीं है क्या? नहीं, मैं तुमसे किसी और चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। वो मैं तुमसे थैंकिंग के बारे में बात करना चाहता हूँ। ओ तनियन, ये मुझे इस समय क्यों कॉल कर रहा है? हेलो थैंकिंग, तुम्हारा शुक्रिया, मेरे को फाइनल मिस्टर टैंक की इन्वेस्टमेंट मिल गई। ये मेरे बिजनेस नहीं है, मैंने कह दिया कि मेरे उससे कुछ लेने देने नहीं है। थैंकिंग, मुझसे अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। अगर ये मिस्टर टैंक का सपोर्ट नहीं होता तो तुम्हें ऑडिशन कैसे मिल जाता? तुम तो सिर्फ एक न्यूली साइन एक्ट्रेस हो, शायद तुम तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो तुमने साइन करना शुरुआत से वो तुम साइन भी नहीं कर पाती। तुम इसने मेरे जितने भी एफर्ट्स थे एक सेंटेंस में ख़त्म कर दिए, इसने कुछ ज़्यादा करा। ओ थैंकिंग, तुम बेटर है, कुछ रिस्पेक्ट शो करो। गू थैंकिंग ने उसकी टोन अचानक से क्यों बदल ली? थैंकिंग, मैं सब कह रहा हूँ तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहा हूँ। सुनो, मैंने जो ऑडिशन कराया ना वो अपनी ताकत से करा। आई होप कि तुम दूसरों को ना अपने पथाटिक साइड से जज करना बंद करोगे। फेफे का मैसेज, मैंग फेफेन, थैंकिंग हम एग्री हुए थे कि आज हम डिनर करेंगे, क्या तुम भूल चुकी हो? बहुत घंटे पहले। तुम्हारा मतलब है तुमने ऑडिशन पास कर लिया? कॉन्ग्रेचुलेशन। कौन सा प्ले? सीक्रेट है, मैं डायरेक्टर से पूछूंगी अगर मैं तुम्हें इसके बारे में बता सकती हूँ। राइट, ये कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। एनीवे कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू फेफेन। भाई क्या हो गया? तुम्हारी जो स्माइल है ना बहुत डरावनी है। ये कुछ भी नहीं है, उस टेबल पे ना मेरे नाम से एक बोतल ऑफ वाइन की भेज दो। ओके मिस्टर थैंक, तुम किसे वाइन भेज दो? किसी को तुम जानते हो? इधर उधर मत देखो, क्या तुमने कहा नहीं था तुम गुतेंग के बारे में मुझसे बात करना चाहते हो? तुम अब कह सकते हो? वाल, मैं डार्क पॉइंट पे आता हूँ। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ मैं गुतेंग को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और मैं उसको एडमायर भी करता हूँ, वो एक अच्छी लड़की है, तो प्लीज़ उसके साथ खेलना बंद करो। आप लोगों को, आप दोनों को परेशान करने के लिए माफ़ करना, बट ये मिस्टर थैंक की तरफ से, प्लीज़ इसे इन्जॉय करें। थैंक चीते ये हर जगह क्यों है? हमें वाइन नहीं चाहिए, प्लीज़ लेकर चल जाए। होल्ड ऑन, हम इसे एक्सेप्ट करेंगे प्लीज़। ये जो एक ना शैम्पेन की बोतल मिस्टर टैंक को भेज देना और उसकी गर्लफ्रेंड को, उन्हें अच्छा मील विश करना। ओके सर, गर्लफ्रेंड तक्षशिला की गर्लफ्रेंड है? अगर ये मेरा गैस है, आई मीन हम कपल एरियाज में, आफ्टर ऑल मिस्टर टैंक के करेक्टर को जज करते हो तो वो प्रॉपरली ऑर्डनरी फीमेल पार्टनर को यहाँ लेकर नहीं आएगा। मैं समझ गई, टर्न आउट हुआ ये एरिया है कपल्स के। नो वंडर जो एटमॉस्फेयर था ना यहाँ पे इतना फ्लर्टेशियस लग रहा था। मैं थॉटलेस थी कि मैं फेफेन के साथ यहाँ डिनर कर रही हूँ, ये बहुत बुरा होगा अगर हमें गलत समझ लिया तो। भाई क्या तुम तो मुझे सुन रहे हो? एक्सक्यूज मी मिस्टर तैंग, ये शैम्पेन है आप दोनों के लिए मिस्टर बैंक की तरफ से। हाँ उसे ना थैंक्स कर देना वेरी मच। मिस्टर तैंग आप क्या, उसे खुद ही थैंक्स करने जा रहा हूँ? भाई मैंने अभी फिनिश नहीं करा मेरा कहना। होल्ड ऑन, ये थैंकिंग मिस कू के पास सच में कुछ स्किल्स हैं। तुम किसी और को डेट करे सिर्फ एक ही दिन में? थैंक शीतिंग, ये चाहता क्या है? आप समय पे आए मिस्टर थैंक, आपके रेड वाइन के लिए शुक्रिया। मेरे पास क्या हुनर है आपके साथ टोस्ट करने के लिए? आपकी शैंपेन के लिए भी शुक्रिया। ये बहुत दया की बात है कि रेड वाइन से वो अच्छी नहीं है। मिस्टर थैंक आप कुछ ज़्यादा ही वैसे नहीं बन रहे। चाहे वाइन अच्छी हो या ना हो ये उस ड्रिंकर की प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। क्या मैं सही हूँ थैंकिंग? वेल मुझे तुम्हारे वर्बल बैटल में मत घुसड़ो। ओके मैं हमेशा से ही फेफेन को मेरे इंटीमेट फ्रेंड की तरह देखती हूँ, कोई इंटेंशन नहीं है इसके साथ रिलेशनशिप डेवलप करने की। मुझे चांस लेना चाहिए इसे क्लियर करने के लिए। दोनों ही रेड वाइन और शैम्पेन सच में ग्रेट हैं, बट कोई उन्हें ड्रिंक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। क्या क्लेवर आंसर है, बट गुड थिंकिंग। जो इसे पीना पसंद नहीं करता वो इस टेबल पर नहीं बैठेगा। तो तुम ये अपना इनोसेंटी किसे दिखा रहे हो मिस्टर थैंक? तुम कैसे मिस्टर थैंक, तुम्हें क्या लगता है कि मैं हाइपोक्रिटिकल हूँ, है ना? हाँ, और मिस्टर थैंक तुम्हारे पास ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है और तुम फिर भी दूसरी औरतों के साथ घुस रहे हो। मेरी आंखों में तुम भी बहुत इनडिसेंट हो। सिंस हम सारे ही सेम टाइप के हैं तो हम एक दूसरे को जाने क्यों नहीं दें? तुम्हें किसने बोला कि मेरे पास गर्लफ्रेंड है मिस्टर थैंक? जो सीट आपने रिजर्व कर दी सिर्फ कपल्स के लिए है।
अब मना करना यह अनबिलीवेबल है। तुम वहाँ जाके देखती क्यों नहीं हो कि कौन अपोजिट बैठ रहा है मेरे? इसने मुझे देखने के लिए बोला कि ये तो नहीं जिससे मैं जानती हूँ। हाय तैकिंग, क्या इत्तेफाक है? ये शक है शैंग, तुम्हारा रिएक्शन अभी अभी बहुत इंटरेस्टिंग था। क्या तुम जालस हो मिस्टर तैंग? प्लीज़ अपने आप को बिहेव करें। मिस्टर तैंग, आप हमेशा ही अपने आप में अच्छा फील करते हैं, बट मेरे पास एक क्वेश्चन है। फेफे ने और मैं हमारा खाना यहाँ इन्जॉय कर रहे थे, बट आप यहाँ आए और घटिया बातें करने लगे। मैं सोच रही हूँ शायद क्या आप तो नहीं जो जालस थे? क्या होगा अगर मैं हूँ? मिस्टर सैंग, ये जोक है ना, इसमें कोई हंसी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं जॉक कर रहा हूँ? अगर आप नहीं कर रहे तो जो क्लोसेस है ना नॉन रिलेशनशिप का, 3 सालों के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक जॉक बन के रह जाएगा। मैं वो कॉन्ट्रैक्ट को किसी भी समय चेंज कर सकता हूँ। ये बहुत हो गया मिस्टर तैंग। तैंकिंग है ना सिर्फ एक न्यू एक्ट्रेस है, वो आपकी गेम अफोर्ड नहीं कर सकती। आप उसकी लाइफ और करियर को तबाह कर रहे हैं। कम हो तैंकिंग, अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। अगर ये मिस्टर तैंग के सपोर्ट की वजह से नहीं होता ना तो ऑडिशन कैसे ले पाती? तुम तो सिर्फ एक न्यूज साइन एक्ट्रेस हो, शायद तो तुम कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं कर पाती अगर मिस्टर तैंग की वजह से नहीं होता तो। फेफेन सही है, तैंग शितेंग इतना अनस्क्रपोबल है। अगर किसी ने हमें देख लिया सब लोग सोचेंगे कि जितने भी रिसोर्सेज मैंने अभी तक लिए हैं ना वो सारे मुझे शुगर डैडी ने दिए। और इस समय पर नो मैटर मैं कितनी भी अच्छी हूँ, मुझे सिर्फ मतलब बुराइयों में ही लोग याद रखेंगे। तैंकिंग चलो चलते हैं, ये सेफ नहीं है यहाँ पर क्योंकि इतने सारे लोग हमें देख रहे हैं। एक मिनट तैंकिंग, फेफेन मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास कुछ प्राइवेट में इसके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ मिस्टर तैंग के साथ। तैंकिंग, ये ठीक है, मैं तुम्हारा भारी इंतज़ार करूँगा, मुझे बुला लेना अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो। क्या तुम्हें क्या लगता है अब तुम फाइनली सोचती है? अब तुमने अच्छे से सोच लिया है ना कि तुम मुझसे क्या ऐसी बात करना चाहती थी प्राइवेट में? अपने आप की ज़्यादा तारीफ मत करो, मैं सिर्फ तुमसे पूछना चाहती थी कैसे कुछ लेना देना है कि मैंने जो यूनिवर्सिटी एंटरटेनमेंट के साथ साइन अप करा था। हाँ, क्या स्टूपिड क्वेश्चन है। क्या तैंकिंग ठीक है? मेरा भाई और तैंकिंग क्या बात ही कर रहे हैं, ये ऐसे एक्ट क्यों कर रहा है? तो जो डायरेक्टर सैंग का जो फेवर था मेरा ऑडिशन, मुझे सच बताओ तैंग शितेंग, क्या तुमने ये सब मैनिपुलेट करा था? तुम क्या करोगी अगर मैंने हाँ कहा तो? क्या तुम ऑडिशन को छोड़ दोगी और कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्सिटी एंटरटेनमेंट के साथ कैंसिल कर लोगी? क्या तुम वो हार्ड एनर्ड चीज़ें छोड़ दोगी इस सो कॉल्ड इनोसेंस की वजह से? तुम्हें क्या लगता है मैं हिम्मत मैं करूँगी नहीं? अगर तुम्हें सच बताऊँ, मैं सच में थोड़ी एम्बिशियस इंसान हूँ। मैं एक्ट करना चाहती हूँ, फेमस होना चाहती हूँ और बेस्ट एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, बट मैं अपनी प्राइड के बारे में मेरे एम्बिशन से ज़्यादा कंसर्न हूँ। मैं अपनी प्राइड को बदले में एक्सचेंज नहीं करूँगी डर्टी मीन्स को इस्तेमाल करने के लिए, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो। अगर मेरा जो साइनिंग तुमने अरेंज कर रही थी तुम्हारे ऑर्डर की वजह से, तो मैं यूनिवर्स एंटरटेनमेंट को छोड़ रही हूँ। और अगर मेरे ऑडिशन को मैंने पास कराया सिर्फ तुम्हारे कनेक्शन की वजह से, तो ये अपॉर्चुनिटी भी मैं छोड़ रही हूँ। मैं हमेशा बिलीव करती हूँ यहाँ पर हमेशा और चांस होंगे जब तक तुम्हारे पास वो शक्ति होगी इस दुनिया के अंदर। गुड थिंकिंग, तुम बहुत, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें नेवा बोलूँ या स्टूपिड बोलूँ। अगर तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो अपनी एबिलिटीज़ में, क्या जो रिज़ल्ट होगा मेरे और मेरी हेल्प के बिना चेंज होगा? बिसाइड भूलो मत, मैं अननेसेसरी मूव्स नहीं करता। चलो चलते हैं कैसा। वेट ब्रदर, मेरे पास अभी चांस भी नहीं मिला तैंकिंग से बात करने के लिए, तुमसे बाद में मिलते हैं। तैंकिंग अपने आप पे बिलीव करो, तुम बेस्ट हो। वेल थैंक यू, बाय। थैंक यू थैंक। वेल कभी कभार तुम इतने अनोइंग नहीं होते एम्पायर हो तो। क्या हो गया कि तुम्हारे पास कुछ है कहने के लिए? भाई मैंने जो भी कहा था ना वापस लेता हूँ। हाँ कौन सी लाइन? काम हो तो मैं एग्जैक्टली जानता मैंने क्या रेफर करा था। मैं वो वापस लेता हूँ जो मैंने कहा था कि मैं तैंकिंग को पसंद करता हूँ। क्या तुमने अचानक से माइंड क्यों बदला? तुम को तैंकिंग को बहुत पसंद नहीं करते? ये ऐसा नहीं है, मैंने अभी रियलाइज़ करा तुम्हारी जो अफेक्शन थी ना तैंकिंग की तरफ वो भी सिंसियर है। मुझे लगा था कि तुम सिर्फ उसके साथ खेल रहे हो, अब तक नहीं, अब मैंने अभी रियलाइज़ करा कि तुम बहुत सीरियस हो उसके बारे में। तुम उसे पसंद करते हो और उसे पहचानते हो। बाय सिंस, तुम्हारे पास कोई बुरी इंटेंशन नहीं है, मैं तैंकिंग को तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। दे रहे हो? लिटिल ब्रदर्स गलत मत समझो। क्या तुम्हें कोई ज़रूरत है कि तुम मुझे वो औरत जो मैं चाहता हूँ? थैंक यू फेफेन मुझे घर पे फिर से ड्राइव करने के लिए। ये कुछ भी नहीं है, तुम अच्छे मूड में लग रहे हो। ऐसा लगता है कि तुमने जो बात करे थे ना तैंकिंग के साथ वो बस स्मूथ चले। गुड मूड, इतने रिडिकुलस मत हो।
कोई भी गुड मूड में नहीं हो सकता उस काइंड ऑफ परवेंट को फेस करने के बाद, ऐसा है क्या? बट अगर ये सच है थैंकिंग, तो तुम इतने रिलैक्स क्यों जब तुमने तैंकिंग से अभी बात करी थी? हाँ ये थैंकिंग क्या हो गया? ओह कुछ भी नहीं, मुझे लगा था कि मैंने किसी को देखा जिसे मैं जानती हूँ। क्या ये होते ही हैं? क्या मैं वापस स्टैंड करूँ? नहीं वापस चलते हैं, शायद मैंने गलती करी है। मुझे शैनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए ये सब पता लगाने से पहले। ओन तैयार, आई विश कि मैं गलत हूँ, अदरवाइज मैं सुरली तुम्हें ना पे करूँगी कि तुमने हिम्मत कैसे करी शैनों को धोखा देने की। और अगले दिन थैंकिंग, डॉक्टर सॉन्ग तुमसे बात करना चाहते हैं, वो जो तुम्हारे लिए एजेंट असाइन करने के लिए। मुझे बिजनेस के लिए बाहर जाना है तो मैं तुम्हें कंपनी नहीं दूंगी। ओके थैंक यू मिस्टर, एक एजेंट इतनी क्रिटिकल एलिमेंट होते हैं एक्ट्रेस सक्सेस के लिए। मैं सोच रही हूँ मेरा एजेंट कौन होगा, चाहे कोई भी हो मुझे सक्सेस होना होगा। हाँ ये वो औरत है ओ थैंकिंग के साथ कल वाली, ये एग्जैक्टली है कौन? मेरे पास वो सारे पैसे हैं एक जगह पे। डॉक्टर एंड रोल के बारे में क्या आपको क्या लगता है? ये प्रॉब्लम नहीं है जब तक पैसा तैयार है, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। हाँ लीजिए फिर से, मुझे अब जाना होगा, हमारा प्रॉमिस भूलना मत। हाँ हाँ नो प्रॉब्लम ऑल थॉट, मेरे पास कोई इंट्रैक्शन नहीं है आलिजिन के साथ, ये फास्टेस्ट वे है पता लगाने के लिए ये है कौन। हेलो डायरेक्टर है थैंकिंग, ये बहुत लंबा समय हो गया, ये इंसान कौन थी? ये काव किंग है, एक यंग मॉडल है, ये मुझे रोल के लिए बार बार कह रही है मुझे रोल दे दो रोल दे दो, बहुत अनोइंग है। ऐसा लगता है कि आपकी वो मूवी को बहुत पसंद करती है। हाँ क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो? अगर तुम हो मैं तुम्हारे लिए एक रोल रख सकता हूँ। ओह मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, मुझे लगता है यहाँ पे सपोर्ट फीमेल रोल है जो तुम्हें परफेक्टली सूट करता है। डायरेक्टर एंड हाय, यहाँ पे तुम आ गए मिस्टर शैन, मिस ताओ तुम्हें ढूंढ रहे हैं अभी अभी, उसने कहा था ये तुम्हारी न्यू मूवी के बारे में और वो बहुत जल्दबाजी में लग रही थी। क्या मुझे कोई नोटिस मिले इसके बारे में? ताओ बिल्कुल रिलेबल नहीं है। थैंक यू मिस्टर शैन, अब मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। मैं अभी भी मिस ताओ से मिली, वो अभी बाहर गई है, वो कंपनी में भी नहीं है मैं जानता हूँ, बट आन लीजिए नहीं। तुम्हारे मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया, मुझे थैंक्स करियो, मुझे लगा था कि तुम मुझे ब्लेम करोगे तुम्हारा प्लान ख़राब करने के लिए। प्लीज़ मेरे बारे में ऐसे जोक मत करो, तुम यहाँ नहीं हो, एक पीस ऑफ एडवाइस है तुम्हारे लिए, अपने लिए एक रिलेबल बैकअप ढूंढ लो अगर तुम एक चाहती हो तो, और वरना तुम रिटर्न में कुछ भी नहीं ले पाओगी मुसीबत के अलावा। मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि मेरे बैकर हो। आई होप सो, क्या रिडिकुलस आदमी है। मैं ऑलमोस्ट लेट थी इस लड़के की वजह से। डायरेक्टर सॉन्ग में थैंकिंग हो, तुम फाइनली कंपनी में आ गई, क्या तुम यहाँ पे रेंगती हो? आए अंदर आ जाओ। ओके एक्सक्यूज मी, यहाँ मुझे तुम इसे इंट्रोड्यूस करवाने दो, ये एजेंट है जो कंपनी ने तुम्हें असाइन करा है, चैन जिनपिंग, वन ऑफ द टॉप टू एजेंट्स हैं यूनिवर्स एंटरटेनमेंट में। क्या इत्तेफाक है हम फिर से मिल गए, क्या बैड लक है, इसे यही क्यों होना था? मैं इसको मुझे अपने आपको इंट्रोड्यूस करवाने दो, मेरा नाम शैन जिनपैंग है और अब से मैं आपका एजेंट हूँ। बाय द वे थैंकिंग, तुमने कल ऑडिशन पास कर लिया था मिस्टर सन, तुम्हें वहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए लेकर जाएंगे। इतनी जल्दी? वह मैं कर लूँगा, बैठिए पहले खाना खा लेते हैं। फैंग बैंग के आदमी ना यहाँ दोपहर तक पहुँच जाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन मत पूछना उस समय, सब कुछ मुझ पर छोड़ देना। ओके हाँ क्या ये ऑन थैंकिंग और क्या किंग नहीं है? मैं उनसे फिर से मिल गई, क्या तुम इन दोनों को जानते हो? शॉर्ट ऑफ सिर्फ अनफेमिलियर फ्रेंड्स है। अनफेमिलियर, तुम्हारा फेस ऐसा तो लगता नहीं है, क्या तुम क्यूरियस हो कि वो बाद में क्या बातें करने वाले हैं? क्या तुम्हारे पास एक रास्ता है ना पता लगाने का? ऑफ कोर्स, बट इससे पहले कैसा होगा कि हम बैठ करें, चलो गैस करते हैं कि वो क्या बातें करेंगे। जो लेजर है ना वो कॉफ़ी के लिए पे करेगा, ये कैसा है डील? मैंने कहा था वो औरत है ना कंप्लेन कर रही थी उसके, मतलब मैं कहती हूँ वो औरत है ना कंप्लेन कर रही होगी कि उसकी ज़िंदगी कैसे चल रही है, और वो आदमी से कंफर्ट कर रहा होगा। मुझे नहीं लगता वो औरत है ना उस आदमी से पैसा मांग रही होगी और वो एग्री कर जाएगा। प्लीज़ मुझे एक फेमर करो और पता लगाओ वो दोनों क्या बातें कर रहे हैं। तो ये इसका रास्ता था, जो लेडी के फादर बीमार हैं और उसे पैसा चाहिए सर्जरी के लिए, और वो जेंटलमैन प्रॉमिस करा के ऑफर करेगा 300,000। इंटरेस्टिंग, कॉफ़ी के लिए शुक्रिया, मुझे जाना होगा, लेट मत होना कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए बाद में। मैं जानती हूँ, सी यू सून मिस्टर सैन। और थैंक यू, उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तो वो कहाँ से वो 300,000 लेकर आएगा 100 काउ केन के लिए? और वो वुमन, उस औरत का फादर बीमार भी नहीं है, वो सिर्फ पैसे से एल लिंजी के साथ रोल को बदलना चाहते हैं। एक चीटर और एक एक्ट्रेस का परफेक्ट मैच है,
उस मोमेंट से ओ तैंक के पैसे प्रॉपरली वो हो गए जो तैंक शिप प्रॉमिस कराते इन्वेस्ट करने के लिए। ये स्कैम बैंक मुझे उसको एक्सप्रेस करना होगा ये है कौन। हाँ वो जो एक रास्ता है तैंक यान से पैसे निकालने का वो है कि उससे तैंक शिप से बोलूँ कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है ना उसे बंद कर लो। वेल मेरे करंट रिलेशनशिप को देखते हुए तैंक शिप के साथ अगर मैं उसे और कॉन्टैक्ट करें ऐसा लगेगा कि वो मेरे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। सिंस ऑथर ने हिम्मत कर इतना अनग्रेटफुल चीज़ करने की मुझे भी कुछ करना होगा शानलू के लिए चाहे कुछ भी हो जाए। ली जिन लिए ये सेम रिजल्ट होगा अगर मैं ली जिन ई से भी पूछूँ तो। बिसाइड जो नेट प्रॉफिट है ना सेल्स डिपार्टमेंट का इस मंथ। ये तुम्हें कौन कॉल कर रहा है? ये मिस गू है। आंसर करो इसे स्पीकर पर डालो। मिस गू मिस्टर ली मैंने आपसे इन्वेस्टिंग की बात करना चाहूँगी। ओई त्यांग की क्या तुम आज रात अवेलेबल हो? बिसाइड मैं आई होप करती हूँ कन्वर्सेशन है ना मिस्टर तैंग से उन्हें ना बताए। मुझे माफ़ कर दो मिस गु मिस्टर तैंग ने ऑलरेडी ये पता लग गया उन्हें। मिस गु इस रास्ते जो जल्ट मैंने ना वो पहुँच चुके हैं। ये वेर्ड है यहाँ पे कोई भी क्यों नहीं। एक्सक्यूज में क्या सिर्फ हम दो ही हैं? हाँ मिस गु उन्होंने ना पूरा रेस्टोरेंट बुक कराया है। पूरा रेस्टोरेंट? लिन जून ने थोड़ा कुछ ज़्यादा है मैनेजर ही नहीं है यहाँ पर। होल्ड ऑन इसने पूरा रेस्टोरेंट ही बुक कर लिया। होल्ड ऑन सर मिस गु यहाँ आ गई हैं। थैंक शितेंग मुझे माफ़ कर दो मेरी अपॉइंटमेंट थी मिस्टर ली के साथ तुम्हारे साथ नहीं। गु तेंग क्या तुमने सच में सिचुएशन को पता लगाया? मैं ही हूँ जिसका फाइनल कहना है उस इन्वेस्टमेंट में। मैं ये तुम बेटर होगा अगर तुम उसे डायरेक्टली बात करोगे है ना। मैं गुस्सा नहीं कर सकती इसकी वजह से। ये मेरा होना है कि मैं आपके साथ खा पा रही हूँ तो मुझे अपनी रिक्वेस्ट के बारे में बताओ। आई होप कि आप जो ओन यू तियांग की जो इन्वेस्टिंग है ना वो भी बंद कर दे। और तुम्हारा रीज़न है? मुझे डर है कि ओन आपकी इन्वेस्टमेंट को उसकी कंपनी का इस्तेमाल करने का प्लान नहीं है बट एक मॉडल है जिसका सीओ केंग कहते हैं। उस मॉडल वो ना 300,000 से एक रोल खरीद रही हैं आम लीजिए की फिल्म में। मैं बिलीव करती हूँ आप समझ पा रहे हैं। मुझे माफ़ कर दो जो रीज़न है काफ़ी नहीं है कि मैं अपनी फंडिंग विड्रॉ करूँ। क्यों? मैं एक बिजनेसमैन हूँ। इन्वेस्टर का मतलब होता है पैसे कमाना। जब तक ओन तिंग ये सब कर पाएगा मैं केयर नहीं करता पैसा कहाँ जाता है। क्या तुम श्योर हो तेंग पैसा तुम्हारी मदद करेगा पैसा बनाने में? उसके कॉन्टैक्ट के साथ वो मोर लाइकली कि वो पैसा तुम्हारा वेस्ट करेगा। मिस गु आप कुछ ज़्यादा ही नेवा है। जो कॉन्ट्रैक्ट है ओन तिंग और मैंने साइन करने वाले हैं वो वैल्यूएशन एडजस्टमेंट मैकेनिज्म एग्रीमेंट के बारे में। अगर उसने प्रॉफिट करना फेल हो गया जितने भी असिस्टेंट हैं उसके नाम के अंदर वो यूनिवर्स एंटरटेनमेंट को बिलोंग करेंगे। अब मैं समझ गई तैंग शी ने कैलकुलेट कर रखा था सब कुछ इसकी डिसाइड करने से पहले। मैं बहुत नेवा थी अज्यूम कर रही थी कि मैं उसके डिसीजन पे इन्फ्लुएंस कर पाऊंगी। ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट थी। मुझे माफ़ कर दो कि मैंने आपका टाइम वेस्ट करा मुझे अब जाना चाहिए। क्या तुम गुस्सा हो? मेरे पास कोई रीज़न नहीं है गुस्सा होने का। ये तुम्हारा बिजनेस है। रियली? बट तुम्हारी आखिर डिफरेंट स्टोरी बताते हैं। गु तैंग अपने आप से पूछो अगर मैं ली जूनियर होता जिसने तुम्हें रिजेक्ट करा है क्या तुम्हारा एटीट्यूड फिर भी सेम होता? गु तैंग तुम मुझसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हो इसीलिए तुम पार्टी के डिसअपॉइंटेड हो जब मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है। क्या मैं गलत हूँ? क्या सच में टेंशन की वजह से कि मैं अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर पा रही? सिंस कब से मेरी एक्सपेक्टेशन थी इस पर? नहीं ये सच नहीं हो सकता। अपने आप को मेरे बिजनेस से परेशान मत करो। मिस गु क्या तुम श्योर हो कि तुम और ट्राइज नहीं करना चाहती? ये डिफ़िकल्ट नहीं है मेरा माइंड चेंज करने के लिए। नो थैंक्स मेरे पास दूसरे रास्ते हैं ओ तैंग के साथ डील करने के लिए। दूसरे रास्ते जैसे कि एक्सपोज करना तैंग की ट्रू इंटेंशन अपने बेस्ट फ्रेंड के सामने। क्या तुमने नतीजे के बारे में सोचा है? वो बहुत सैड होगी फ्रस्ट्रेटेड होगी जबकि ओ तैंग दूसरी औरतों के साथ खेलता रहेगा बिना किसी दिक्कतों के। और अगर ये तुम होती गु तैंग जिसने ही करा है और तैंग को तैंग शिप के इन्वेस्टमेंट मिल जाते मेरी मदद के साथ। अगर शैनी को इस सच के बारे में पता लग गया तो ये सब मेरे वजह से होगा। इन द एंड और तैंग के जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं यूशियन के प्लान में वो सारे मेरे वजह से है। मेरे पास फाइनल चांस था फिर से जीने का। मैं शैन को वो सेम ट्रेजेडी फिर से सहनी नहीं दूंगी। मुझे अपनी कंडीशन के बारे में बताओ। मैं फिफिन के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट मत करो। होल्ड ऑन तुमने क्या कहा? क्या तुम ये मना कर रही हो? अगर तुम एक बेटर कंडीशन के लिए एक्सचेंज कर पाती हो तो मैं भी शायद सोचूंगा। नहीं मैं ये ले लेता हूँ। मैंने कभी भी प्लान नहीं करा था कि मैं फेफिन के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करूँगी। मैं सच में समझ नहीं पा रही तैंग के दिमाग के अंदर है क्या। ये फर्स्ट कंडीशन और यहाँ पर दूसरी दो हैं।
एक काफ़ी नहीं है क्या? एक कंडीशन 300,000 के काबिल है क्या? तुम्हें सच में लगता है कि मैं फिलैंथ्रोपिस्ट हूँ? फाइन, गो ऑन, करीब आओ और फिर मैं तुम्हें बताऊँगा। हाँ, 21, ये मेरी सेकंड कंडीशन है। ये किस तरह की कंडीशन है? क्या आप मुझे मतलब मुझे चिढ़ा रहे हैं? थैंक यू थिंग, ये सिर्फ एक केस है। क्या बड़ी बात है? ऐसा लगता है कि तुम अपने फ्रेंड के बारे में ज़्यादा केयर नहीं करती। तुम एक रास्कल हो, मेरी एडवांटेज ले रहे हो। तुम्हारे पास 3 सेकंड इसके बारे में सोचने के लिए। यहाँ पे कोई दूसरी चॉइस नहीं है। 3, फाइन, अगर ये शानी के लिए है तो ये बड़ी बात नहीं है। 2, ये सिर्फ एक किस ही है। क्या इतनी मना करिए करने के लिए? भूल जाऊँ, मेरे पास कोई मूड नहीं है तुम्हें ऐसा देखने के लिए। मैं तुम्हें इस समय जाने दूँगी, बट तुम इतनी लकी नहीं होगी नेक्स्ट टाइम। वेट, मुझे कर्ज में रहना पसंद नहीं है। सिंस मैंने तुम्हें प्रॉमिस करा है तो मैं करेंटली ये करूँगी। मुझे बताओ तुम्हारी लास्ट कंडीशन क्या है? जस्ट तुम तो बी पेशेंट, तुम्हें पता लग जाएगा जब वो समय आएगा। ये थैंक शेतन क्या ट्रिक कर रहा है फिर से? आई होप ये कुछ ज़्यादा रिडिकुलस रिक्वेस्ट नहीं होगी। 10 घंटे बाद फिल्मिंग साइट पर ड्रैगन रॉड, फैंग बाय अटैच कर रहा है कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट और उसके न्यू मूवी में ड्रैगन रॉड के लिए। एक एज अ न्यू एक्ट्रेस तुम बहुत लकी हो कि तुम ये रोल ले पा रही हो। तुम क्या कर रही हो? जल्दी करो। यस सर। तुम बिल्कुल भी नहीं सुनी थी ना, है ना? तुम्हें क्या लगता है सब चीज़ ठीक होगा एक बार तुम्हें रोल मिल जाएगा? मुझे माफ़ कर दो, मैं दूसरी चीज़ों के बारे में सोच रही थी। ये सारी तंगशतंग की गलती है, मैं आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही। फाइन, मैं वापस ऑफिस जा रहा हूँ। अपने आप को ना फिल्मिंग स्टेज से फिंगर करवा लो, मतलब देख लो कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें। और यहाँ पर ध्यान से रहना, किसी मुसीबत में मत आना। मैं समझ गई मिस्टर सैन, ये वो ही है। इसने मुझे लास्ट टाइम अनोयड कर दिया था जब मैंने देखा था। ये एक अच्छा चांस है, ये समय उसे सबक सिखाने का। आउच है लिटिल गर्ल, क्या तुम देख के नहीं चल सकती? तुम्हें क्या लग रहा है तुम कौन सी जगह पे? मुझे माफ़ कर दो मिस जी, कि मेरे मतलब नहीं था। कौन केयर करता है इसके बारे में? मेरे रास्ते से हटो। तुम मेरे फिल्मिंग को देर करने में अफोर्ड नहीं कर सकती, तुम इम्प्यूडेंट गर्ल। यहाँ पे कोई भी ग्रज नहीं होना चाहिए, मतलब दरार नहीं होनी चाहिए हम मेरे और गोतेंकी के बीच में। बट उसका एटीट्यूड मिस जेकी, मैंने ऑलरेडी आपसे माफ़ी मांगी, आपको इतने एग्रेसिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे मत बताना कि आप जो बेस्ट एक्ट्रेस है इस कंट्री में, वो एक मुझसे मतलब लड़ रही है जिसने अभी तक कुछ करा ही नहीं है। तुम्हारा मतलब है मैं तुम्हारे साथ लड़ने की कोशिश कर रही हूँ? तुम्हें समझती कौन है? तुम हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे ऐसे बात करने की? गाँव जेके, तुम अच्छे से बात कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है ये फोर्स इस्तेमाल करने की। और ये फिल्मिंग सेट है, क्या तुम डरती नहीं हो कि तुम्हारी फ़ोटो रिलीज हो जाएगी? फेफियन, इसका कॉस्ट्यूम तो ये है मेल लीड। हेलो एवरीवन, ये वाला यहीं तक। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, प्यार प्यार कमेंट करना ना भूलना। थैंक यू।